सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में सीएम खट्टर बीजेपी से मेयर प्रत्याशी ललित बत्रा और जेजेपी पार्षदों के लिए वोट की अपील करने सोनीपत पहुंचे। सीएम ने यहां अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों से वोट देने की अपील भी की। सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी प्रचार तेज किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर लोगों को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी ललित बत्रा सहित जेजेपी और बीजेपी पार्षदों के लिए वोट मांगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। उन्होंने स्थानीय कांग्रेस विधायक और मेयर प्रत्याशी का चरित्र भी लोगों को समझाया। कहा कि उन्होंने सट्टेबाजी, जमीनों की सौदेबाजी और दूसरे गलत कामों से पैसा कमा लिया है और इस पैसे को भले ही वो जनता के बीच खर्च कर रहे हो, लेकिन उनकी असलियत सोनीपत को लूटने की है, जबकि सोनीपत का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने आंकड़ों के साथ जनता को समझाने की कोशिश की कि अब तक सोनीपत में उनके कार्यकाल में 850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोनीपत NCR का सबसे तेजी से गुड़गांव फरीदाबाद के बाद बढ़ता हुआ शहर है। सेंटर की ओर से 850 करोड़ रुपया इन 5 सालों में आग लगा है और हमने लगाया भी इसलिए है कि सोनीपत ये उभरता हुआ शहर है, गुरुग्राम और फरीदाबाद इसके बाद अगर कोई उभरता शहर है दिल्ली के इस नजदीकी जो NCR का एरिया है उसमें सोनीपत है। तो सोनीपत का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे वो रेलवे के ओवरब्रिज अंडरब्रिज हो, चाहे यहाँ की इंडस्ट्री हो, रोजगार हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इन सब चीजों में ये शान ऊपर उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए यहाँ की टीम ने एक अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है, उसको पढ़िए और उसके बाद कोई चीज का और उसमें रह गई हो उसमें भी आप जोड़िए। जोड़ करके आप अपनी टीम चुनने के बाद इनको बताएंगे तो आधी रात को भी डिमांड आएगी, इसको पूरा करने का काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री ने यहाँ न केवल बीजेपी के मेयर प्रत्याशी और पार्षदों के लिए वोट मांगे बल्कि बताया कि किस तरह से उनके मेयर प्रत्याशी ललित बत्रा ईमानदार छवि के हैं, जबकि कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी का चरित्र कैसा है। हमारे प्रत्याशी मेयर के मुकाबला कांग्रेस वाले से करोगे तो आपको ये सारी बात पता लग जाएगी कि उनका चरित्र कैसा है। इतिहास सब आप लोग उनका जानते हैं कि किस प्रकार के धंधे वो करते रहे, कैसे भोले भाले इंसानों को अपने चक्रव्यूह में फंसाते रहे, सट्टा, जुआ, हर प्रकार के काले धंधे, डुबकी का काम, जमीनों के घोटाले, पैसा कमा कमा करके देश और दुनिया में अपने बिजनेस व्यापार को चमकाया। मुख्यमंत्री ने यहाँ बीजेपी के विकास कार्यों को भी जनता के साथ साझा किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हरियाणा में सीधे मेयर और नगर निगम का चुनाव हो रहा है ताकि जनता का ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। उन्होंने जनता से बीजेपी के मेयर और पार्षदों को जिताने की अपील की। इस मौके पर जगह जगह पहुंचने पर मुख्यमंत्री का लोगों ने स्वागत किया। बहरहाल अब आने वाला वक्त बताएगा कि मुख्यमंत्री की अपील भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना माहौल तैयार कर पाती है और जीत का सहरा किस पार्टी के सर पे सजेगा। फिलहाल सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। कविता शर्मा, टोटल न्यूज, सोनीपत।